News 18, India. लोकसभा चुनाव में मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन तैयार किया, लेकिन चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही विपक्ष का ये गठबंधन बिखरता हुआ दिख रहा है। बुधवार को एक के बाद एक इंडी गठबंधन को तीन झटके मिलते हैं। टीएमसी ने तय कर लिया कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनावी ताल ठोकेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवान मान ये कह रहे हैं कि 13-0 की लड़ाई है, यानी कि अकेले आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उधर नीतीश कुमार ने पटना में बयान दे दिया कि बीजेपी का जो हथियार रहा है हमेशा परिवारवाद, उसको लेकर कह दिया कि कई राजनीतिक दल हैं जो परिवारवाद के सहारे चलते हैं, जबकि वो खुद भी एक ऐसे दल के साथ हैं जो परिवारवाद के सहारे चल रहा है। तो तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तीनों दल इंडी गठबंधन के अहम दल थे। ममता बनर्जी तो वो थी जो संयोजक का नाम आगे रख रही हैं, इस गठबंधन को मुख्यता आगे लेकर जा रही हैं। लेकिन ममता दीदी हो गई नाराज और कहती हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम सेक्युलर पार्टी हैं। और नाराजगी क्यों? क्योंकि वो कह रही है कि हमें तो जानकारी तक नहीं दी गई कि पश्चिम बंगाल एंटर होने जा रही है भारत न्याय यात्रा। उधर भगवान मान कह रहे हैं कि वहां कोई भी बात हो हम यहाँ चुनाव अकेले लड़ेंगे। इधर नीतीश परिवारवाद पर हमला साध रहे हैं। एक ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और ये समझाते हैं कि कौन कौन इसमें चुनावी मैदान में था लेकिन अकेले लड़ रहा है। सबसे पहले आता है ममता बनर्जी का नाम, टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी, उन्होंने ये साफ कर दिया। अगला जेडीयू और आरजेडी में रार है, क्यों है? क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि परिवारवाद के सहारे कुछ राजनेता चलते हैं, जबकि आरजेडी तो वही पार्टी है। इधर समाजवादी पार्टी सीट पर बात नहीं बनी, बार बार अखिलेश यादव ये कहते रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ भी सीटों पर घमासान है, मुख्यतः एक ही चीज के केंद्र में सब चीज है कि सीटों पर रायशुमारी नहीं हो पा रही है। कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है, जो घटक दल हैं, जो शत्रु की पार्टियां हैं, वो कम सीटें दे रही हैं। सीटों पर अपनी अपनी दावेदारी है। देखिए, आपने लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ने का संकेत दे दिया है, तो कांग्रेस को हर एक राज्य में हिंदी पट्टी के लग रहा है झटका। विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन में पड़ती दरार और ज्यादा चौड़ी कर दी नीतीश कुमार के एक अहम बयान ने। नीतीश कुमार का बयान भी आपको सुनाते हैं जो उन्होंने कल कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर पटना में दिया, और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को अपने परिवार को फायदा ना पहुंचाने की दलील दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ चेहरे और पार्टियां तो ऐसी भी है जो सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगी रहती है। और अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि उनका ये निशाना आखिर किस पर था? अजननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे? आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। सवाल है कि नीतीश जी के मन में क्या है? ये सवाल इसलिए भी है कि जिस मंच से उन्होंने परिवारवाद के बहाने किसी को टारगेट कर लिया, उसी मंच से उन्होंने ये भी जाहिर कर दिया कि उन्हें पीएम मोदी के फोन का इंतजार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों में ऐसा ही लग रहा था जैसे उन्हें इस बात का मलाल रहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे तो फोन नहीं किया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को फोन किया। को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री, तो हमको सब यही फोन किए, तो हमको तो खुशी है। और वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री, तो हमको सब यही फोन किए, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप इस सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। नीतीश कुमार का मन से बयान इंडी गठबंधन को झटका माना जा रहा है, लेकिन भविष्य में क्या होगा इसके भी सवाल खड़े हो गए। लेकिन उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कल ही विपक्षी गठबंधन को एक तगड़ा झटका दे दिया है और ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी, किसी से कोई समझौता नहीं होगा। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला बोला
और उन्होंने ना सिर्फ गठबंधन में उनकी पूछ न होने का दावा कर दिया बल्कि उन्होंने यह भी आरोप लगा दिया कि कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव की अनदेखी की है और न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की पश्चिम बंगाल पहुंच रही है उसके बारे में उन्हें तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। और जब राहुल गांधी की यात्रा असम से होकर बंगाल पहुंचेगी तो आखिर उसकी जानकारी उन्हें क्यों नहीं दी गई, इस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। और इंडिया की করব না করব আপনারা ইলেকশন ভাবো আমরা সেকুলার পার্টি আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যাবো ইভেন ওরা যে আজকে র‍্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি আমি ইন্ডিয়ার এলাই তো আমাকে একবার জানিয়েছে। इधर गठबंधन पर सवाल पूछने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भड़क गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं और बिना कुछ कहे ही आगे निकल गए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नेता और ऐसे में टीएमसी नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं, ऐसा ही करते दिखाई दिए टीएमसी नेता कुणाल घोष भी, जिन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि अब कांग्रेस की यह दोहरी नीति आगे नहीं चलेगी। दुमुखो नीति एआईसीसी এতদিন বরদাস্ত করেছে কেন? দিল্লিতে আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মান দিচ্ছেন আর রাজ্যে আপনাদের কয়েকজন বিজেপিকে অক্সিজেন দিচ্ছে, এ দুটো একসঙ্গে হতে পারে না। घर में लड़ाई तो हुई है लेकिन कांग्रेस ये कह रही है नहीं जी कोई दरार नहीं है गठबंधन में, सब कुछ ऑल गुड है, लेकिन गठबंधन के ही कई सहयोगी ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। सीट बंटवारे को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, ये बातें मीडिया के सामने नहीं होती, इस बात में थोड़ी सी कश्मकश भी चलती है। जो इंडिया गठबंधन में उनकी भूमिका है उस पर कोई संदेह नहीं है, कोई सवाल नहीं है। ममता दीदी इस गठबंधन का हिस्सा है और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ममता कभी भी आरएसएस के खिलाफ कोई पॉलिटिकल गठबंधन में नहीं रह सकता है, ममता वो आरएसएस का पुतुल है, ममता और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है।